खरगोन जिले के कसरावत तहसील का एक मामला सामने आया है, जहां मोबाइल को लेकर पति पत्नी में तकरार इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और देखते ही देखते एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मोबाइल फोन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। मोबाइल फोन के बिना जीवन की कल्पना ही मुश्किल लगने लगी है। आज हम बिना मोबाइल के कुछ पल भी नहीं रह पाते। निश्चित रूप से मोबाइल ने हमारे बहुत से कामों को आसान बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल के दुष्परिणाम भी समाज को देखने को मिल रहे हैं। आज का युवा मोबाइल में इस कदर खो गया है कि रिश्तों की अहमियत ही खत्म हो गई है। इस तरह का एक मामला कसरावत तहसील के खामखेड़ा चौकी का है, जहां मोबाइल को लेकर पति पत्नी में तकरार इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और देखते देखते एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। खामखेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम लाइसपुरा के भोलाराम पिता फुकदार उम्र 30 वर्ष ने पिछले दिनों एक महंगा मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 21,000 रुपये थी खरीद लिया था, जिसको लेकर पत्नी नंदूबाई नाराज थी क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी कि 21,000 का मोबाइल चलाया जाए। इसी बात को लेकर पत्नी नाराज हो गई और अपने मायके चली गई। कुछ दिन पश्चात पत्नी वापस आ गई, लेकिन मोबाइल का विवाद खत्म नहीं हुआ। इसी विवाद में पति ने लकड़ी से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पति फरार हो गया। खामखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और लाश का पोस्टमार्टम घटना के बाद पति फरार हो गया खामखेड़ा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और लाश का पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दी। मृतिका के 3 बच्चे भी हैं। अभी तक इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। ग्राम दोमाड़ा गांव है, वहां पर कनाबे के लिए सूचना मिली थी कि पति ने के नाम पत्नी को लट मार दिया है। तो लोग मौके पहुंचे थे, मौके पर जाकर देखा तो मृतका नंदू की मौके पर मौत हो गई थी। उसका पति से मोबाइल खरीदने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। तो मृतका ये कहना था कि इतना महंगा मोबाइल क्यों खरीदा है, इस बात को लेकर उनके आपस में तरासुमी हुई थी। इसी कारण का नाम वो अपने मायके में चली गई थी। मायके से आने के बाद उनकी जो आपस में तरासुमी हुई, और इसी में बीच में का नाम जो अपने कपड़े धोने के बच्चों के, तो उसके पति ने पीछे से का नाम है खटिया का नाम है, जो लकड़ी होती है खटिया में, उसको सिर पे मार दिया, जिसकी मौके भी मौत हो गई। सर, इसमें उसके बच्चे कितने हैं मृतका के? मृतका के 3 बच्चे हैं। और इसके अंदर आरोपी की कोई गिरफ्तारी वगैरह हो गई है या नहीं हुई है? घटना के बाद से वो कनाल में फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है, जल्द ही प्रकरण मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी का कुछ भी पहले कोई ऐसा मामला है चौकी पर या थाने पर? नहीं, इसके अलावा कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है। ठीक सर, आपका पूरा नाम? चौकी प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।